16 साल की शादी टूटने के बाद सदमे में थे आमिर खान। लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर पर आया था दिल। निर्माता निर्देशक किरण राव 45 साल की हो चुकी है। 7 नवंबर 1973 को किरण का जन्म तेलंगाना में हुआ। साल 1992 में किरण के माता पिता ने मुंबई जाने का फैसला किया। उन्होंने सोफिया कॉलेज फॉर वुमेन से ग्रेजुएशन किया है। किरण राव ने जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। किरण राव ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आमिर खान स्टार फिल्म लगान में बतौर सहायक निर्देशक किया। फिल्म का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया। इसके बाद किरण ने आशुतोष की फिल्म स्वदेश में भी उन्हें असिस्ट किया। किरण ने फिल्म दिल चाहता है में कैमियो रोल भी निभाया था। लगान के दौरान ही किरण राव की पहली मुलाकात आमिर खान से हुई थी। इधर आमिर खान की निजी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे। आमिर खान ने बचपन की दोस्त रीना से शादी की, फिर शादी के 16 साल बाद तलाक ले लिया। तलाक के 3 साल बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव आई। किरण राव से मुलाकात पर एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि फिल्म लगान के दौरान किरण बस मेरी टीम की सदस्य थीं, तब वो असिस्टेंट डायरेक्टर थीं। रीना से तलाक के बाद किरण से मिला, वो उस वक्त मेरी अच्छी दोस्त भी नहीं थीं। तलाक के बाद मैं ट्रॉमा से गुजर रहा था। इसी बीच एक दिन किरण का फोन आया। किरण से करीब मैंने आधे घंटे बात की। उससे बात करके मुझे अच्छा लग रहा था। उस कॉल के बाद हमने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया। लंबे समय की दोस्ती के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि उसके बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है। बस फिर क्या था, हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया और फिर साल 2005 में हमने शादी कर ली। बता दें कि दोनों का एक बेटा आजाद राव खान है।